हेलो भाई, आप क्या समझ रहे हैं? इनमें तब्दीली के लिए अदब की क्या अहमियत होती है? मैं समझता हूँ अदब ने लीड किया है, पूरी इंसानी समाज को लीड किया है, उसके मुख्तलिफ मौजूआत को, उसके मुख्तलिफ वर्कात को, फ्रस्ट्रेशन को, कॉम्प्लेक्सेस को, मोहब्बतों को, नफरतों को लिटरेचर ने लीड किया है, उसको पोर्ट्रे किया है और लिटरेचर एक आईने के तौर पे समाज के सामने रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो HLF का इनकार है मुसलसल, सबसे बड़ी बात मुस्तकिल मिजाजी की है। हमारे यहाँ अच्छे कामों की कंटिन्यूटी नहीं होती, अगर कोई इवेंट होता है तो फिर नेक्स्ट ईयर उसकी डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो ये पांचवा मुसलसल HLF है, इसलिए मैं ज़ाद सुब्रो साहब को, उसकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। कल्चर डिपार्टमेंट हमेशा की तरह जितना कुछ भी अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से भी जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पैदा किए गए हैं इस मुल्क में, फिर भी जितना कुछ भी हम सपोर्ट कर सके, हम हर लिटरेचर फेस्टिवल को, कल्चरल एक्टिविटी को, पॉजिटिव एक्टिविटी को हम सपोर्ट करते आए हैं। मैं समझता हूँ कि इस लिटरेचर फेस्टिवल में ना फकत लिटरेचर मगर ओवरऑल हमारे समाज और सोसाइटी के मुख्तलिफ थीम्स जो हैं वो डिस्कस होंगे और हमारे यूथ के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए वो फायदे मंद। मैं समझता हूँ कि नौजवानों की जो फुटफॉल है, जो टर्नआउट है सबसे ज़्यादा नौजवानों का इन में शिरकत का, मेलों में और फेस्टिवल्स में, इस बात की निशानी है कि हमारे नौजवान जो है वो पढ़ना लिखना चाहते हैं और वो ख़ुद को इनलाइटन करना चाहते हैं। और यकीनन अगर नौजवानों के बगैर और यूथ के बगैर ये फेस्टिवल और फेस्टिविटी कामयाब नहीं हो सकती, जो पूरे मुल्क की 63% पॉपुलेशन का 63% जो है वो हमारा यूथ है। तो मैं समझता हूँ यकीनन इससे इसमें उनमें रुझान पैदा होगा और डेफिनेटली ये फायदेमंद होगा। जो किताब है उससे दूर हो गए हम लोग, और जो सरकारी सतह पर एक मामला होता था किताबों के अशार का, वो भी निस्बतन कम देखा जा रहा है। तो जो कल्चर डिपार्टमेंट है, किताबों के अशार के हवाले से कितना सरगर्म है, क्या पॉलिसी है? मैं समझता हूँ कि यह बात आपकी ठीक है कि जो हार्ड कॉपी है, जो पेपर पे जो बुक है, उसकी वो दुनिया में कुछ रुझान उसका कम हुआ है, वो हुआ है। उसका रीज़न है आपका ये स्क्रीन जो आपके हाथ पे, पूरा आपका एक पूरा कंप्यूटर हेड कहें, पाम टॉप कहें, टेलीविज़न कहें, वो आपके पाम पे आ गया है, हाथ की तरी पे मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि बुक जो है वो पेपर से निकल के स्क्रीन तक आया है। तो यह मगर जो पढ़ने का लुत्फ़ है, उसको वर्क पलटने का जो लुत्फ़ है, वो यकीनन स्क्रीन पे नहीं आ सकता किताब पढ़ने वाले को। कल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी पब्लिकेशंस को भी जारी रखा हुआ है, बहुत सी सिंध की तारीख पे, कल्चर पे और दूसरी चीज़ों पे बहुत से किताब शाया हुए हैं कल्चर डिपार्टमेंट के। और इस साल मोहम्मद इब्राहिम जोयो के नाम से ट्रांसलेशन ब्यूरो का भी क़याम अमल में लाया गया है, और इससे भी बहुत सी बुक्स जो हैं वो आएंगी, और अब सिंधी लिटरेचर उर्दू में जाएगा, इंग्लिश में जाएगा, दुनिया की डिफरेंट लैंग्वेजेस में जाएगा, और दुनिया का जो अदब है वो सिंधी ज़बान में आएगा।